कुछ मीठा हो जाए। आजकल ये युक्ति बड़ी जोरों से चल रहा है, टीवी में दिखलाए जाते हैं कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल अवश्य मीठा होना चाहिए, हमेशा मन आत्मा वाणी वातावरण सदैव मधुर हो मीठा हो। त्यौहार की बात करें कि कुछ मीठा हो जाए तो बड़े जोर से लोग किसी ब्रांड का नाम लेके कैडबरी और चॉकलेट और ट्रॉफियों की बात करते हैं। स्मरण दिलाना चाहूँगा आपको, कभी आपने सुना है कि ईद में सेवई को छोड़कर मिठाई लो? कभी आपने यह सुना कि क्रिसमस में केक छोड़कर कुछ टॉफी लो? ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे त्योहारों में कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी हो जाए। हम कभी नहीं भूलें कि हमारे जो रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन, जो पारंपरिक व्यंजन भी है, वो हलवा हो सकता है, शक्करपाले हो सकते हैं, अन्य मिठाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, यदि बहुत सुविधा ना हो तो बाहर की दुकान से भी मिठाई की दुकानों से लाया जा सकता है, किंतु घर पे बनाए जाने का प्रचलन या आजकल की बहु बेटियों को उसे बना के रखना एक बहुत बड़ा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व है। हलवा बनाए, शक्करपाले बनाए, गुलगुले ही क्यों न बनाए, जो भी हमारे अपने स्थान के हिसाब से जो विशेष व्यंजन मिठाइयाँ जो बच्चे नाम भी भूल रहे हैं, उन चीज़ों को बनाएं। आपके हाथ का कला भी रहेगा, शुद्धता भी रहेगा, हमारी संस्कृति भी बनी रहेगी। इस बात का मुख्य रूप से सभी को पालन करना ध्यान पर रखते हुए एक हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी है। मेरी ओर से बहुत शुभकामना।